1 फरवरी 2020 की बड़ी खबर यहां पर किसानों के लिए तोहफा देने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। युवाओं के लिए बड़ी खबर यहां पर आ रही है कि सीए के बाद देश को चौंकाने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। और किन यहां पर बजट में पेश हो सकती है, बढ़ाई जा सकती है इनकम टैक्स की छूट जो है वो बढ़ाई जा सकती है। बड़ी खबर आ रही है कि यहां पर जो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि 10 लाख तक की आय वालों के लिए यहां पर 10% टैक्स दिया जाएगा। सालाना इनकम टैक्स रूप में देख सकते हैं आप कि 10 लाख के लिए 10% टैक्स अब देना होगा। और यहां पर 10-20 लाख के लिए 20%, तो 20 लाख से 2 करोड़ के बीच यहां पर 30%, तो 2 करोड़ से ज्यादा 35%। इससे पहले जो इनकम टैक्स की जो राशि है 2.5 के लिए कोई टैक्स नहीं देना होता है, लेकिन 2.5 से 5 लाख के बीच जिनकी इनकम है उनके लिए 5%, लेकिन यहां पर 5 से 10% के लिए 20%। लेकिन अब इनकम टैक्स की जो कह सकते हैं दर है उसको घटाया जा सकता है, बड़ी खबर यहां पर आ रही है। और इसके अलावा ब्याज दर पर 2 लाख रुपए तक की छूट पहले से निर्धारित है, ये बड़ी खबर यहां पर आ रही है। और यहां पर अगर बात करें तो 2 लाख से बढ़कर अब 2.5 लाख तक किया जा सकता है आपका जो होम लोन है उस पर यहाँ पर इजाफा कर रहे हैं। 3.5 लाख की यहाँ पर राशि तय की जा सकती है, तो यहाँ पर होम लोन यहाँ पर सस्ते हो रहे हैं। उसके अलावा जो दर है उसको बढ़ाया जा रहा है, ऐसी ही खबर आ रही है कि ये कल के जो बजट है उसमें ये हो सकता है कि 6,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपए का ऐलान संभव है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि बजट में इसको शामिल किया गया है। किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपए हर किसान को देने का वादा प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, लेकिन अब इसको बढ़ाया जा रहा है, 8,000 रुपए का ऐलान यहां पर हो सकता है। तो ये बड़ी खबर है, किसानों के लिए भी तोहफा यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। युवाओं के लिए क्या है, देखिए युवाओं के लिए 50 लाख का यहाँ पर बिजनेस लोन बिना गारंटी के यहाँ पर बजट पेश हो सकता है, इसके लिए भी मंजूरी हो सकती है। तो युवाओं को नौकरी का यहाँ पर जो युवा हैं उनके लिए बड़ी खबर यहाँ पर आ रही कि बजट में उनके लिए बड़ा ऐलान यहाँ पर हो सकता है। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के नियमों में भी बदलाव हो सकता है, जिससे रोजगार के जो अवसर हैं उनमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा छोटी नई कंपनियों के लिए 3 साल तक कोई जांच नहीं होगी, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। और पांचवा बड़ा ऐलान यहां पर हो सकता है कि बैंक में डूबा तो 2 लाख रुपए तक वापसी की गारंटी होगी, ये सूत्रों के हवाले से फिलहाल खबर आ रही है कि अगर बैंक वाली जी किसी बैंक में आपका पैसा जमा है वो डूब जाती है तो 2 लाख रुपए आपको वापस हो सकते हैं। ये बड़ी खबर है कि बैंक में डूबा तो 2 लाख रुपए आपका जो है वो वापसी यहाँ पर हो जाएंगे। महिलाओं के लिए नौकरी को लेकर यहाँ पर बजट में यहाँ पर पेश हो सकता है, ऐलान हो सकता है इसके लिए। और बुलेट ट्रेन कॉरिडोर से दूसरे शहरों को जोड़ने की तैयारी भी यहाँ पर बजट में पेश हो सकती है। इसके अलावा ऑटो सेक्टर की सुस्ती में खत्म करने के लिए बड़ा ऐलान हो सकता है। इसके अलावा अगर बात की तो 50 चीजों पर बढ़ सकता है आयात शुल्क, तो ये 2020 के लिए बजट जो पेश होने वाला है उसमें इन यहाँ पर योजनाओं पर मोहर लग सकती है। और बहुत जल्द एक और नई जानकारी को मिलेंगे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आने वाली जानकारी का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलता रहे।